समय वो चातुर्मास करने लगे। हमारी मैया जाती वहां उनकी सेवा करती, उनके लिए फूल पुष्प आदि व्यवस्थाएं सब करके और मैया उनको उनकी खूब सेवा करती हैं। चातुर्मास जब विश्राम हुए तो संत लोग जाने लगे। जब जाने लगे तो हमने मैया से कहा, मैया क्या हम भी इनके साथ चले जाएं? मैया रोने लगी, बेटा तुम्हारे सिवा मेरा सहारा कौन है? अरे हम बेटा तुम चले जाओगे तो कौन कौन सहारा है, किसके सहारे हम रहेंगे? मैया ने कहा, हम प्रभु रुक गए, हम गए नहीं, लेकिन एक दिन मैया गाय दोहने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए संध्या के समय जैसी गई कि वहां पर जैसी गई कुछ समय बाद आवाज आती है, बेटा ये अपनी मत पकड़ो, ये ले जाओ, आराम से बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज गाय दोहने के लिए जैसे गई कि आवाज आती है, पुत्र पुत्र। महाराज आज बोले हम छोटे से थे महाराज, दौड़ पड़े और हमने देखा कि उस समय मैया ने, मैया को किसी एक विषैले कीट ने काट लिया, मतलब सांप ने डस लिया मेरी माँ को और मेरी माँ ने मेरे गोदी में प्राण त्याग दिए। मैं बहुत रोया, लेकिन मन में ऊपर से तो मैं रो रहा था प्रभु, लेकिन मन में मुझे बड़ी खुशी हुई। बोले रोने की तो बात ठीक है, जिसकी माँ का साया चला जाए रोने की तो बात ठीक है, लेकिन खुशी क्यों हुई? बोले खुशी इस बात की हुई कि आज हम स्वतंत्र हो गए, हम कहीं भी जा सकते हैं, संतों के साथ जा सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। महाराज आजकल जीते जी माँ बाप को भोजन नहीं कराएंगे, मरबे के बाद चौतरा बनवा दे, बड़ी फोटो लगा दे कमरा में और 1 लाख की तेरी कर दे, दुनिया को खोआ दे। वही यदि जितने तेरवी में आप पैसा खर्च करते हो, यदि उतना ही पहले जीते जी खुवा दो तो माँ बाप दुआ देकर जाएंगे। आज बोले मैंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और दाह संस्कार करके हम चले गए वन में, और जैसे ही वन में गए एक वृक्ष के नीचे हमने भगवान की स्तुति की, भगवान को ध्यान किया, भगवान का भजन किया और अचानक एक छवि सामने प्रकट हुई और उस छवि को देखने के लिए जैसे ही मैं दौड़ा, छूने के लिए दौड़ा कि इतने में क्या देखते हैं महाराज, वो छवि अंतर ध्यान हो गई। हम चिल्लाए लेकिन आकाशवाणी होती है, पुत्र अभी तुमने इतनी तपस्या नहीं की कि तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, एक झलक थी तुमको दिखा दी, अब आपको एक काम करना है, इस जन्म में तपस्या करो और इस जन्म में तुम्हारी तपस्या अच्छी हुई, प्रसन्न हुए भगवान, तो आपको अगला जन्म संत नारद का ब्रह्मा के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तुम जब चाहे जब उस परमात्मा से उस छवि के दर्शन कर सकते हो। आज बोले हम संत नारद का जन्म हुआ केवल संतों की कृपा से, कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
और संतों के साथ रह रहकर किस किस की बनी? के ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरनों में लाग रे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का काम क्या है प्यारे? की कागा से तुए हंस करेंगे, कागा से तुए हंस करेंगे। कागा से हंस कैसे करते संत? एक बार एक हंसों का झुंड एक जगह आया और एक हंस का छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा एक कीचड़ में जाके गिर गया, और जैसे ही कीचड़ में गिरा महाराज वो काला हो गया। इतने में बेचारा जब तक फंस गया, जब तक हंस उड़कर चले गए, जब हंस उड़कर चले गए इतने में दूसरा झुंड आया कौओं का। अब वो बच्चा जैसे ही निकला, अब वो कीचड़ से निकला तो काला हो गया। उसने देखा, कौओं ने देखा उसको, उसने देखा कौओं को, और जल में देखता है अपने शरीर को। बोले महाराज ये भी काले, हम भी काले, इसलिए हम इन्हीं की जाति के हैं। महाराज हंस का बालक कौओं के साथ उड़ गया, चला गया। कुछ दिनों बाद एक जगह कौओं का झुंड बैठा था कि इतने में एक हंसों का झुंड फिर से आ गया। एक उसमें से बुजुर्ग हंस था, उसने देखा भैया ये रंग से तो काला है लेकिन है हमारी जाति का। उसके पास है, भैया आप इन कौओं के साथ क्या कर रहे हैं? अरे बोले महाराज कौओं के साथ क्या कर रहे हैं, हम कौआ ही हैं। अरे बोले नहीं, तुम तो हंस हो, मेरी जाति के हो। अरे बोले महाराज हम आपकी जाति के कैसे हो सकते हैं, आप इतने गोरे हम इतने काले। बोले ये दुनिया का कीचड़ तुम्हारे ऊपर लगा है इसलिए तुम काले हो, जिस दिन ये कीचड़ धुल जाएगा उस दिन हमारी जाति के ही हो जाओगे। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले आप जाओ सरोवर में एक डुबकी मार दो। हंस का बालक गया महाराज सरोवर में, जैसी डुबकी मारी कि जो कीचड़ था वो धुल गया, और जैसे ही बाहर निकले तो महाराज अपने रूप को आ गए। बोले ये तो, अरे हम तो आप ही के जाति के हैं। इस तरह प्यारे संत आपको याद दिलाते कि आप कौन हो। कागा से तुए हंस करेंगे, कागा से तुए हंस करेंगे, कागा से तुए हंस करेंगे, कागा से तुए हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।